प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात जब उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया तो चारों ओर इसी जयघोष की गूंज सुनाई दी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रक्षा सूत्र यानी कलावा बनाए गए 15 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रतिकृति से मोदी ने रिमोट के जरिए जैसे ही आवरण हटाया, अध्यात्म का यह नया आंगन सभी के लिए खुल गया। तो जैसे उज्जैन में धूमधाम से महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया, इसी प्रकार पूरे देश में लोग खुशियां मना रहे थे और मीरा भाईंदर में भी भाजपा के नेता लोग इसे हर जगह स्क्रीनिंग पर दिखा रहे थे। मीरा भाईंदर में हर जगह उज्जैन महाकालेश्वर का लोकार्पण हर जगह दिखाया जा रहा था, वो भी स्पेशल स्क्रीनिंग पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो आइए बात करते हैं मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष रवि व्यास से और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता से। हमारे लिए पूरे देश के लिए गर्व की बात है, जिस तरीके से अयोध्या, उसके बाद में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और अब हमारे उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी, यानी कि हमारे जो सभी के श्रद्धा स्थान है उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उस दिव्य प्राचीन मंदिर का, आज उसकी कॉरिडोर का आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से लोकार्पण हुआ है। आज उसका उद्घाटन कार्यक्रम है और अब भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने हमारे मीरा भाईंदर शहर में भी जितने भी हमारे शिवलिंग के मंदिर है, जितने भी हमारे शंकर मंदिर है, उन सभी मंदिरों पर इसी तरीके से इस उज्जैन के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट हमारे सभी भक्तों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सभी मंदिरों पे बाबा महाकाल की, महादेव की महा आरती की जाएगी और अपने आप के अंदर सभी भक्तों के अंदर उत्साह का वातावरण है। महाकाल के महाभक्त मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी जितनी बातें की जाए कम है। आज महाकाल की कॉरिडोर की ओपनिंग है और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस तरह का लाइव दिखाया जा रहा है और भव्य मंदिरों में आरती हो रही है, तो मोदी जी की क्या कहते हैं। हमारा दूसरा प्रोग्राम चल रहा है, दिसंबर तक शायद हम बाकी सबको लेके जाएंगे भीमा शंकर, और उसके बाद जो 5-3 ज्योतिर्लिंग और बचेंगे महाराष्ट्र के, उनका भी दर्शन करेंगे। तो हिंदू आगे ऐसे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और ना ही आज 70 साल में कोई मंत्री ने ऐसा किया नहीं, लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धर्म को बढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें विलीन होती जा रही थी उसको फिर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, पुराने चीज़ों को और भव्य तरीके से वो निर्माण कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है, सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और भगवान शिव के सानिध्य में रह करके, भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में रह करके मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया। मैं भगवान से प्रार्थना, भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करूँगा कि मोदी जी और इसी इन्हीं की तरह और भी मंत्री आते रहें और ऐसे ही कार्य करते रहें। और यहाँ ध्यान में बैठे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने महाकाल उज्जैन में केंद्रित हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महाकाल उज्जैन में लोकार्पण किया है, बहुत सारे कार्डियो वहाँ पे उन्होंने जो उज्जैन नगरी सुशोभित की है, उसका लाइव हमारे प्राचीन मंदिर यहाँ पे शिव जो मंदिर का अनुराधा पौडवाल ने निर्माण किया था, वो मंदिर पे लाइव सब इधर के लोगों को दिखा, लोगों के सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। और ये प्रोग्राम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी उनके आदेश पे हर मीरा भाईंदर शहर में आयोजित कर रहे हैं। ऐसे ही ये मेरा गांव शिव साई मंदिर पे हमारे नवीन सिंह जी और हमारे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और ये एरिया के हमारे नागरिक ये प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में आज यहाँ पे सहभागी हुए हैं। और ये जो हमारे मोदी जी जो काम कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए, हमारे सभी हिंदू धर्म के लिए गौरवशाली बात है।
और ये गौरवशाली बात, हर घर घर में जाना चाहिए। इसलिए हम ये सब लाइव स्क्रीन के ऊपर सब लोगों को यहाँ पे बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं और ये यहाँ पे लाइव चल रहा है पूरा कार्यक्रम उज्जैन से महाकाल लोकार्पण 16 जो है वो यहाँ पे लाइव चल रहा है। हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उज्जैन में महाकाल का भव्य कॉरिडोर का आज ओपनिंग था। संपूर्ण देश में कई मंदिरों में आरती का व्यवस्था किया गया, ठीक उसी प्रकार हमारे मीरा भाईंदर में जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी के अध्यक्षता में उनके निर्देशानुसार हरेक प्रभाग में हरेक मंदिर में बड़े भव्य LED का लगाकर लाइव प्रसारण किया गया जो पब्लिक यहां से देख सकते हैं। महाकाल का डायरेक्ट दर्शन, महाकाल के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है, लेकिन आज ये लाइव टेलीकास्ट LED के द्वारा बैठ के लोग वो सारे ओपनिंग कॉरिडोर का आनंद लिए, हाँ, और सब आनंद लिए देखकर। और यहाँ मंदिर में 5 ब्राह्मणों के द्वारा भव्य आरती किया गया और पब्लिक जो है सो प्रधानमंत्री के ये ओपनिंग में बहुत सारे डायरेक्ट आनंद लिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि हमारा संपूर्ण एक दिन आने वाले समय में भारत देश एक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और हम लोग उनके नेतृत्व में पूरा भारत देश का एक आनंद लेते रहेंगे। लाइव प्रसारण आज सर्वप्रथम तो हम गजानन नागे जी और हमारे बड़े भाई नमीन सिंह जी को बधाई देंगे कि इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजित किया और लोगों ने रुक के यहाँ पे आकर इस कार्यक्रम का आनंद लिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और इसके बाद हम अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से हमेशा आभार व्यक्त करेंगे कि हिंदुत्व के लिए, भारत के लिए, भारत के लोगों के जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है और हमेशा हिंदुत्व इनके जो है ऋणी रहेंगे। दे रहे हैं कार्यकर्ता लोग, उनके हर जगह स्क्रीन सीट लगा लगा के मंदिर में हर वार्ड में व्यवस्था दिए हैं। रोड पे जो पब्लिक है वो भी देख सकती है, जो घर में है तो देख ही रहे हैं, जो रोड पे है वो भी देख पा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, हिंदुत्व यहाँ भी बढ़ रहा है, पूरे देश में बढ़ रहा है, हर जगह इनका असर पड़ रहा है। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं उसका, तो और जो नहीं जुड़े थे वो लोग भी जुड़ रहे हैं भाजपा से या मोदी जी से, तो उनके जो है प्रशंसक बन रहे हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। इनके कार्यों से मैं भी आ गया मोदी जी के शरण में। हाँ, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, एक ही हिंदू राष्ट्र तो है अपना, पूरे दुनिया में है कहाँ, अब यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा। हमारे समझ इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। अब मोदी जी के रहते ये संभव है, और लोग तो करने वाले नहीं, सब सेकुलर हो जाते हैं, हिंदू तो कोई लेकर चलता ही नहीं है। ठीक, 14 से जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारी उन्होंने मंदिर काशी हो, बाबा केदारनाथ हो और आज महाकाल लोक का कॉरिडोर का लोकार्पण किए हैं, तो मोदी जी के पे ही आज हमारे मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास के निर्देश पे पूरे मीरा भाईंदर शहर में जितने भी शिव मंदिर हैं वहाँ पर ये LED द्वारा प्रसारण करके लोगों को पूरा वो लोक का वो दिखाया जा रहा है। और इसलिए अपने धर्म संस्कृति के प्रति लोगों का झुकाव बढ़े, इसीलिए जिला अध्यक्ष रवि व्यास के आदेश पर पूरे मीरा भाईंदर के जितने भी मंदिर हैं सब पे भाजपा के कार्यकर्ता LED लगा के और प्रसारण करके दिखा रहे हैं महाकाल लोक का।